एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। मैं आई हूँ छत पे और मैं जा रही हूँ सूरज भगवान को जल देने और तुलसी माता को। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर कोई आया है। अगर वो व्लॉग में आना चाहेंगे तो मैं उन्हें ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी, नहीं तो फिर सॉरी नहीं दिखा सकती। बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं, देखती हूँ जैसा होगा वैसा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, मेरी पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ किचन में। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने जो है न्यू बॉटल मंगवाया है फ्रिज का, पानी भर के रखने के लिए, क्योंकि पहले का बॉटल मेरा जो है ख़राब हो रखा है, तो मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने न्यू बॉटल मंगवाया है, तो इसे मैं पानी भर लेती हूँ अच्छे से। मैं इसे वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी भर दूँगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रखी है तो सब लोग ठंडा पानी ही पीते हैं। तो मैं यहाँ पर पानी भर के रख देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पानी भर लिया, इसे मैं अब रख देती हूँ फ्रिज में। और बॉटल का जो कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो है आलू बॉयल होने के लिए गैस पे रख दिया है, साथ में मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं जो है लच्छा पराठा का तैयारी कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक, अजवाइन और रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम हल्का गुनगुना पानी से इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ और इसे मैं रेस्ट होने देती हूँ। अब मैं जो है पटल को कट कर लेती हूँ फटाफट से। मैं आलू पटल का सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने पटल कट कर लिया है, मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लस्सी का भी तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं जो है दही को कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल भी डाल देती हूँ और पटल को भी फ्राई करूंगी साथ ही के साथ। तो आज मेरा मल्टी टास्किंग काम हो रहा है, आप लोग देखिए मैं किस तरह से आज फटाफट से काम कर रही हूँ। तो अब मैं दही निकाल लेती हूँ थोड़ा सा लड्डू गोपाल के लिए, उन्हें भोग लगाऊंगी। और अब मैं सारा दही जो है मिक्सी जार में डाल देती हूँ। यहाँ पर दही मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। और जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस अनुसार ही चीनी डालना है हमें। और अब मैं कढ़ाई में जो है पटल डाल देती हूँ और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी।
तो ये देखिए दोस्तों, मेरा लस्सी जो है रेडी हो गया है। तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक खाना बन रहा है तब तक कि काफ़ी ठंडा हो जाएगा। अब मैं सब्जी देख लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे ये देखिए, पटल जो है मेरा फ्राई हो गया है, तो इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे जीरा और एक तेज पत्ता, और इसका कलर चेंज होने देंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज, और इसको हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला और साथ में टमाटर, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर जो है गल ना जाए। तो ये देखिए, टमाटर हमारा गल गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पटल, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस कढ़ाई को मैं चढ़ा दूँगी दूसरे स्टॉव पे, और इधर हम दूसरा कढ़ाई चढ़ा देंगे, और इसमें हम डालेंगे तेल और जीरा और एक तेज पत्ता, और इसका कलर चेंज होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये मैं कर रही हूँ पनीर की तैयारी। यहाँ पे प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं, और अब हम देख लेते हैं अपना पटल का सब्जी। तो यहाँ पे अब हम पटल में डाल देते हैं आलू। ये मैंने हाथों से आलू को जो है तोड़ लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं साथ में नमक। नमक स्वाद अनुसार, हमने पटल में भी नमक डाला है तो हमें ध्यान से नमक डालना है। तो आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, और इसे हम ढककर पकने देंगे। और यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो भी फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, जो रेगुलर मसाला होता है घर का, और साथ में नमक, और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे आलू पटल का सब्जी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसमें हम डाल लेंगे एक छोटा चम्मच घी, और साथ में मैं पनीर वाला मसाला में भी डाल दूँगी एक छोटा चम्मच घी, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसमें डाल देंगे पनीर, और इसे हम मिक्स करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो मेरा दोनों सब्जी जो है रेडी हो गया है। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। दोनों सब्जी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और साथ में मैंने कट कर लिया है सलाद, तो मैंने सलाद में कट किया है सेब, अनार और खीरा। और यहाँ पे मैंने आटा जो है इस तरह से पेड़ा बना के रख लिया है लच्छा पराठा के लिए। मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ किस तरह से मैंने किया है। अगर ढेर सारा आपको बनाना हो तो आप इस तरह से पेड़ा बना के रख लीजिए, उसके बाद आप आराम से लच्छा पराठा बनाइए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से मैंने पराठा के लिए तैयार किया है पेड़ा। तो इस तरह से सारा पेड़ा मैंने बना लिया है। अब मैं इजली लच्छा पराठा बना लूंगी ढेर सारा। तो अब मैं पराठा बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक पराठा बनाकर रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से मैं फटाफट सारा पराठा बना लूँगी। और यहाँ पे मेरा पराठा जो है बन गया, और साथ में मैंने खाना भी निकाल दिया है सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को मिलवाती हूँ कौन आया है अचानक से। एक्चुअली ये लोग रात में 11 बजे आए थे, तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अब आज सुबह सुबह मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं अब आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये हैं मेरे देवर, और ये हैं मेरे जेठानी के भाई, और ये हैं इनके फ्रेंड। और इन लोगों का खाना हो गया है। अब मैं इन लोगों के लिए लस्सी निकाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रखी है, तो लस्सी तो भाई बनता है। तो मैं अब इन लोगों को लस्सी पिला देती हूँ। तो दोस्तों, सारे लोग चले गए हैं, और मेरा सारा काम भी हो गया है। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है, सारा बर्तन मैंने धो लिया है। ये देखिए, सारा बर्तन मैंने धो लिया है।
और आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से सबसे अच्छा रेसिपी कौन सा लगा। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों शाम हो गई है, मैं आ गई हूँ छत पे वॉक करने। मैंने दोपहर में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कुछ खास काम नहीं था, तो मैंने शूट नहीं किया है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ रही है, आपके वहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी शाम हो रही है लेकिन बहुत गर्मी है। तो दोस्तों रात हो गई है, मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने चाय वगैरह पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। और ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।